आज मैं पहले जाने वाली हूँ केव पे, जहां से मैं डायरूफ का इम्प्लांट को लाने वाली हूँ। उसके बाद आज मैं बनाने वाली हूँ वाटर फाउंटेन को, और अनलिमिटेड एम्बर कैसे पा सकते हो आप लोग बहुत आसान तरीके से, उस चीज को भी दिखाने वाली हूँ। और नेक्स्ट वाटर वाल्व को एक्टिवेट कैसे कर सकते हो उसको दिखाऊंगी, और लास्ट रिवाइवल प्लेटफॉर्म को बनाऊंगी। तो होला दियोस गेमर्स, कैसे हो अब सभी लोग। मैं अरिका आज दोबारा से एक बार फिर से खेल रही हूँ ईयर के सर्वाइवल इवॉल्व। तो आज मुझे पहले क्या मिलता है पता है आप लोगों को? पहले मुझे मिलती है एक फ्लैग हेलमेट। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पहले ही तो मुझे मिल चुकी थी, तो इसका आर्मर था 187, बट जब अभी मुझे मिली है उसका आर्मर कुछ ज्यादा ही है। चलो दिखाते हैं कितना है उसका आर्मर। तो ये रहा वो फ्लैग हेलमेट जिसका आर्मर है 202। तो अभी तक के लिए तो मेरे लिए ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरे पास 187 तक की हाइस्ट थी। तो अभी मैं फटाफट से इस वाले हेलमेट को बना लेती हूँ, फिर जाके मैं इसको वेयर कर लूंगी। और आज मैं जाने वाली हूँ इस वाली गुफा पे। आप लोगों को भी पता है इसको वाली गुफा मैंने पहले ही देखा हुआ था, बट इसको मैंने कंप्लीट नहीं कर पाई थी क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की उल्फ फिर ओनिक वगैरह, मतलब वो बैटमैन वगैरह सारी चीजें है, तो जिसके कारण मैं ये वाला केप बिल्कुल कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ। तो अभी फटाफट से इधर पे आती हूँ मैं। आने के बाद देखो ओनिक वगैरह का खतरनाक वाला इधर पे फिर से एक बार हमला हो जाती है। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि ये वाला केव इतना आसान नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा टफ है। तो इधर पे देखो एक साथ इतने ज्यादा बंदे, अगर वो भी इतने हाई लेवल के आपको पकड़ेगा तो किसी भी हालत पे बचना इधर पे नामुमकिन हो जाती है। तो कुछ भी करके मैं इधर पे हीलिंग ब्रू वगैरह सारी कुछ लेके आई थी और फटाफट से पीती जा रही थी और इन लोगों को भी मारते जा रही थी। तो फाइनली देखो और दो ही बचा है, बट एक बहुत ही खतरनाक वाला मार रहा है यार। ये लोग काटता है, मतलब इतना जोर जोर से काटता है कि क्या ही बताऊं। तो फटाफट से मैंने इधर पे सारे डायरूल्फ एंड ओनिक वगैरह को मार तो देती हूँ, बट इधर पे मुझे उतना खास कुछ नहीं मिलती। 60-95 लेवल का ही मुझे इधर पे मिलती है। तो मैंने इधर से तो दोनों इम्प्लांट इधर से निकल लिया, बट मुझे 100 लेवल के ऊपर चाहिए थी। तो चलो सामने चलते और देखते हैं, अगर 100 लेवल की मुझे मिल जाए तो अच्छी बात है, बट डर भी मुझे काफी ज्यादा लग रही थी कि उधर देखो येटी वगैरह है। मैंने आप लोगों से ही सुना है कि येटी को आप टेम कभी भी नहीं कर सकते हो, तो अब भी तो मैं इधर पे टेम वगैरह तो नहीं कर सकती, बट इधर पे मुझे वो चाहिए। एक फिर से एक बार 86 लेवल की, मुझे 100 लेवल के ऊपर चाहिए। भाई साहब क्यों भेज रहे हो, एक ही बार में भेज दो, मेरा काम हो जाएगी। तो ये देखो, ये शायद, ये देखो फिर से बूस्ट छोड़ने वाला, ये शायद बहुत ही ताकतवर होगी। तो ये 111 लेवल की थी। तो चलो फाइनली मुझे मिल तो जाती है। अभी मैं इधर पे असल्ट राइफल की यूज करके इसको फटाफट मारने वाली हूँ। तो इधर पे मैंने इसको गोली तो चलाना स्टार्ट कर दिया, फाइनली ये मर भी जाता है और मुझे सक्सेसफुली 100 के ऊपर डायरूल्फ की इम्प्लांट मिल ही जाती है। तभी चलो फटाफट से गुफा से निकलते हैं। मेरा सारी आर्मर इधर पे पूरा खत्म हो चुकी है। अभी अगर रहूंगी कुछ देर तो ये इम्प्लांट भी मैं खोने वाली हूँ, क्योंकि इधर पे अगर फिर से मुझे ऊपर बहुत ज्यादा हमला, लिटरली इधर से बचना नामुमकिन है। तो अब मैं अभी आ चुकी हूँ और इधर पे देखो मेरा आरजी पहले से ही खड़ा था। तो अभी फटाफट से इसको लेके चलते अपने घर। जाने के बाद मैं ये सारे इम्प्लांट को रख देने वाली हूँ। तो अभी मैं अपना घर आ चुकी हूँ, इसके बाद मैं फटाफट से चलती हूँ अपने स्टोरेज बॉक्स में और बहुत ही अच्छे से तीनों इम्प्लांट को मैं रख देती हूँ। अगर मेरे से इनकेस नहीं हुआ तो फिर दूसरा कोई उपाय लेना पड़ेगा। तो इस कारण तो आज मैं आप लोगों को जो दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप लोग बहुत आसान तरीके से बहुत सारे एम्बर को कलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने डेली जो परस्यूट होता है उसको ऑन किया, राइट में देखो दिखा रहा है एंटर सर्वाइवल जोन, जो कि मुझे नहीं करना है। तो आप लोगों को सिर्फ ये वाला पेज को खोल के आप लोगों को बैक जाना है। बैक जाने के बाद आप लोगों का जो फोन पे जो सेटिंग पे जो टाइम डेट एंड टाइम होता है, उधर पे आप लोगों का कोई भी एक डेट ले लेना है, ठीक है ना। उससे पहले मैं एक चीज दिखा देती हूँ। मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं आज खरीदी हूँ वाटर फाउंटेन जो कि फ्री में मिल रही थी, तो मैंने ले लिया। और उसको बनाने के लिए 25 एम्बर स्टोन और सीमेंट पेस्ट, अच्छा तो ये तीनों चीजों का ही दरकार है। तो अभी सो लेती हूँ, सोने के बाद मैं आप लोगों को सुबह उठ के दिखाती हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये वाला पेज को आप लोग ऐसे ऑन करना, फिर देखो मैंने लिया था 6 मई। जैसे ही मैं 6 मई लेती हूँ, उधर पे मुझे दिया था कलेक्ट 20 सैप, ठीक है ना। तो मेरे पास 20 सैप, अभी एक सेकेंड रुकना आप लोग। तो 20 सैप मेरे जो मतलब नाव है ना उसके अंदर जरूर होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें उधर पे कलेक्ट करके करके हमेशा
हमेशा रखा करती थी। तो देखो इधर पे बहुत सारे सैप मुझे मिल जाती है, तो जैसे ही मैं इसको लेती हूँ ये देखो 2 एम्बर मुझे मिल चुकी है। अभी अच्छे से देखना, इधर पे डेली पासवर्ड नहीं दिखा रही है ना, तो बैक जाना बिल्कुल इसी तरीके से जाने के। फिर मैंने नेक्स्ट डे को रख दिया, जैसे कि 7 मई था तो मैंने 7 मई को रख दिया। तो जैसे ही मैं रख देती हूँ, कुछ देर वेट करने के बाद राइट पे आप लोगों का आ ही जाएगा डेली पासवर्ड। देखो आ गया। फिर से यही वाला पेज को ओपन रख के आप लोगों को बैक जाना है। बैक जाने के बाद आप लोगों को पिछले वाला वही डेट एग्जैक्टली ले लेना, फिर से 6 मई ही ले लेना। फिर जाके जैसे ही आप लोग ऑन करोगे, देखो एक सेकंड वेट करो, जैसे ही मैं ए वाला पेज ऑन कर लेती हूँ, इधर पे देखो डेली पासवर्ड दिखा रही है ना, बिल्कुल इसके ऊपर क्लिक करके स्टार्ट बटन पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, इधर पे कलेक्ट 20 सैप हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मैं फिर से आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, आप लोगों को समझ में अगर नहीं आया तो देखो इधर पे नहीं दिखा रहा है, तो बैक जाओ, बैक जाके फिर से आप लोगों को डेट को चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने फिर से 7 मई रख दिया। फिर जाके फिर से आप लोगों को एक बार इस वाले गेम को ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही ऑन करोगे नहीं दिखा रही है ना, तो क्रॉस में क्लिक मारो राइट पे, फिर करो, देखो राइट पे दिखा दिया डेली पासवर्ड आ चुका है। फिर से डेली पासवर्ड को क्लिक करके फिर से बैक जाओ। बैक जाने के बाद आप लोगों का डेट एंड टाइम पे फिर से जाओ, जाने के बाद फिर से वही वाला डेट ले लो 6 मई को। फिर जाके इधर पे डेली पासवर्ड देखो, जैसे ही आप लोग इधर पे स्टार्ट करोगे आप लोगों का कलेक्ट 20 सब फिर से हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग देखो, मेरा अभी 238 हो चुकी है, देख रहे हो ना। फिर से दिखा देते हो, इधर पे बैक जाओ। बैक जाने के बाद फिर से आप लोग इधर पे डेट को चेंज करो। डेट को चेंज करने के बाद फिर से वापस आओ। वापस आने के बाद ऐसे नहीं है तो क्रॉस मारो, राइट में आ जाएगी। फिर से आप लोगों के इन्वेंटरी में जाओ, जाने के बाद अरे भाई क्लियर, देखो डेली पासवर्ड आ चुकी है। फिर से बैक जाने के बाद फिर से पिछले वाले डेट पे जाओ, डेट को सिलेक्ट करने के बाद वापस गेम पे आओ। गेम पे आने के बाद देखो डेली पासवर्ड है इधर पे, तो स्टार्ट बटन को दबाओ। फिर जाके आप लोगों का फिर से 27 कलेक्ट हो चुकी है। तो इसी तरीके से आप लोग देखो अभी 240 हो चुकी मेरी, तो आप लोगों को समझ में आ गई। और नहीं दिखा पा रही हूँ, अगर समझ में नहीं आए फिर से रिवर्स करके देख लेना आप लोग। और एक बात, आप लोग कोई भी डेट से कर सकते हो, ठीक है ना। और इधर पे वाटर फाउंटेन बनाने के लिए आप लोगों को एम्बर स्टोन एंड सीमेंट पेस्ट की दरकार है। तो मैंने इधर पे 25 एम्बर को खर्चा कर ही देती हूँ, बहुत कष्ट हो रही थी मुझे, बहुत कष्ट करके एम्बर को मैं जुगाड़ करी थी, क्योंकि मैंने तो ये वाला ट्रिक तो मैं कभी भी यूज ही नहीं करती हूँ, तो इस कारण मेरे पास एम्बर भी बहुत कम होती है। तो अभी मैं वाटर फाउंटेन को बना तो लेती हूँ, बट इसको लगाने के लिए जगह नहीं है। तब मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्या है भाई जो ये कहीं पे भी नहीं लग रही, तब मुझे समझ आती है कि इसको वाटर कनेक्शन देना पड़ेगा। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वाटर वाल्व को कैसे आप लोग एक्टिवेट कर सकते हो। तो उसको मैंने ले लिया अपने इन्वेंटरी से, मुझे ये फ्री में मिली थी ये वाटर वाल्व, तो इसको मैंने ले लिया। अभी इसको मैं ऐसे ही नदी के कोई भी किनारे पे मैं लगा दूंगी। इसको लगा दिया, बट इसमें अभी पानी नहीं है, ठीक है। देखो मैं इधर पे एक स्ट्रेट लाइन पाइप को बना लेती हूँ, तो चलो बना लिया। अभी इसको इसके पीछे बिल्कुल लगा दूंगी, और मुझे एक इनटेक पाइप चाहिए, ठीक है ना। तो इंटेक पाइप को भी मैं एक बना लेती हूँ। जैसे ही मैं इंटेक पाइप को बना लेती हूँ, इसको लगाने पे ही आप लोगों का वाटर आना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे देखो वाटर वाल्व के ऊपर देखो, अभी पानी के ऊपर कोई क्रॉस नहीं है। तो इधर पे मैंने एक स्टोन फाउंडेशन को लगा देती हूँ। लगाने के बाद इसके ऊपर मैं बहुत ही आसान तरीके से अब इस वाले फाउंटेन को सेट कर सकती हूँ, क्योंकि इसके पास में ही वाटर वाल्व है। तो बहुत आसान तरीके से ये वाला जो पानी का जो वाटर फाउंटेन है ये एक्टिवेट हो जाती है। और कितना खूबसूरत लग रही है यार, मतलब इतना अच्छी फीलिंग आ रही थी ना कि मैंने एक्टिवेट किया इस चीज को, भाई साहब मुझे बहुत खुशी आ रही थी। मैं आप लोगों को सामने से भी दिखाना चाहती हूँ इसके अंदर वाटर होती है कि नहीं। तो ये देखो पूरा वाटर फाउंटेन से कैसे पानी गिर रही है। और आप लोगों को और भी सारे चीजों को मुझे दिखाना है, ये एक सेकेंड रुकना। ये देखो इसके अंदर कितने सारे पानी भर के रखा हुआ है, गॉड मतलब इतना खूबसूरत लग रही थी ना सामने से, मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ आप लोगों को कितना अच्छी लग रही थी यार। मैं पहली बार के लिए ये बनाई हूँ और इतना खुशी हो रही थी ना मुझे कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब पहली बार मैंने वाटर फाउंटेन को लगाया। तो जो भी हो, आज मैं रिवाइवल प्लेटफॉर्म को बनाने वाली हूँ, जो आप लोगों को मिल जाएगी 65 लेवल पे, और उसके लिए आप लोगों को 30 इनग्राम्स पॉइंट चाहिए। तो उसको तो खोल लिया, बट मुझे समझ में नहीं आती है भाई, इसको खोल तो लिया बट इसको बना, आई थिंक कि या तो स्मृति पे बनेगी या तो भीड़ बनेगी फेब्रिकेटर में, तो चलो अंदर जाके ही पता चलेगा। तो अभी मैं अंदर आ चुकी हूँ, तो स्मृति को खोलती तो हूँ बट स्मृति में ये नहीं थी, तो मुझे समझ आ गई तो फेब्रिकेटर में ही बनेगी ये। तो जैसे ही खोलती हूँ, यस ये फेब्रिकेटर में बनेगी। और इसको बनाने के लिए मेटल इग्नोर पॉलीमर क्रिस्टल एंड चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स।
तो इतने सारे चीजें तो चाहिए, मेटल इग्नोर भी मेरे पास से बहुत सारा मेरे स्मृति में रखा हुआ है। सारी चीजों को मैं ला के फिर मैं इसको बना लेती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स और पॉलीमर बनाना मैंने बहुत बार दिखाया है, इसलिए मैंने नहीं दिखाया इधर पे। तो अभी ये वाला प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा बड़ी है, तो इसको इधर पे लगाना क्वाइट इम्पॉसिबल है। तो और मुझे जितना पता है, अगर रिवाइवल होगा कोई भी एनिमल, तो वो तो आई थिंक एग्रेसिव मोड में ही होगा, वो तो मेरा पेट नहीं होगा। तो उसको अगर मैं ऐसे ही खुल्लम खुल्ला छोड़ दूँ तो नहीं बनेगी भाई। तो उसके लिए अच्छी सी प्लेटफॉर्म को मतलब घेरना भी पड़ेगा। तो मेरे पास इधर पे थोड़ा बहुत जमीन बची थी, तो उस पे ही मैंने इसको लगा दिया। अभी चारों ओर मुझे सारे जगह घेरना भी है, बट उससे पहले मैं इस सारे बुशेस को हटा देती हूँ, क्योंकि इसको मुझे आप लोगों को पूरा चकाचक दिखाना है। तो ये देखो, ये रहा वो रिवाइवल प्लेटफॉर्म जो कि मैं इतने सालों बाद बनाई हूँ, मुझे पता है। तो अभी इसको मैं देख रही हूँ भाई, बहुत सुंदर लग रही थी। अभी इसको देखना है कि इसको खोलने से क्या होती है। तो जैसे ही मैं इसकी खोलती हूँ, आवाज तो तगड़ी वाली दे रही है भाई। आवाज इधर पे तगड़ी वाली है, और इधर पे मुझे बस इम्प्लांट को देना है ना। तो इम्प्लांट लाना पड़ेगा, घर से जाके मैं इम्प्लांट को लाऊंगी, फिर जाके इधर पे देने के बाद मैं भी देखने वाली हूँ कि क्या होता है। बट उससे पहले इस चारों ओर को घेरना भी है। तो कैसे घेरा, कैसे मैंने रिवाइवल किया, सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ नेक्स्ट एपिसोड पे। आज भी जाती, तब तक के लिए टाटा टेक केयर।